पीएम मोदी रिस्क लेने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भारत में बड़े बड़े रिस्क लेकर उन्होंने देश की तकदीर बदल दी है, लेकिन अब वे इतिहास का सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। उनके इस रिस्क पर आने वाले दशकों में भारत की तकदीर लिखी जाएगी। यह रिस्क इतनी बड़ी है जो भारत को या तो सर्वशक्तिमान बना सकती है या फिर अर्श से फर्श पर ला सकती है। हालांकि मोदी के कैलकुलेटेड रिस्क की वजह से पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। आप सभी जानते हैं कि मोदी डॉलर को लेकर खुलेआम ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिया है, जिसके बारे में आगे जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना कोई आम बात नहीं थी। जो भी देश अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी बोलता, अमेरिका उसका क्या हस्न करता है। पूरी दुनिया ने ईरान, सीरिया, वियतनाम, वेनेजुएला जैसे देशों में देखा है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल अमेरिका को चुनौती दी बल्कि डॉलर की कमर तोड़कर उसकी सारी अकड़ निकाल दी है। लेकिन इस खबर को सुनकर आपके कान पक गए होंगे, लेकिन आज जिस नई खबर की चर्चा करेंगे उसमें चीन की फटने वाली है। चीन को मोदी ने दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इस मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा होगी। दोस्तों, मोदी ने न केवल डॉलर की आवाज नीचे कर दी बल्कि अमेरिका की बोलती भी बंद कर दी, और अब मोदी के हिट लिस्ट पर चीन है, जिसने अरुणाचल में नाम बदलने की गुस्ताखी कर दी है। इस तरह से देखा जाए तो मोदी एक साथ अमेरिका और चीन दोनों महाशक्तियों से टकरा गए हैं। इसका परिणाम या तो भयंकर होगा या फिर भारत के लिए भयानक भी हो सकता है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुला ऐलान करते हुए कहा था कि डॉलर को हटाओ और अमेरिका को औकात दिखाओ। मोदी ने डॉलर को धक्का मारकर व्यापार से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया था, और अब चीन की गर्दन पकड़कर हाई राइज बिल्डिंग से नीचे फेंकने की तैयारी चल रही है। पूरी दुनिया जानती है कि आज अमेरिका ने अपने डॉलर को हथियार बना लिया है, और किसी भी देश को इस हथियार की बदौलत वह पल भर में बर्बाद कर सकता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर यूक्रेन युद्ध में रूस की हालत देख सकते हैं। उसने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करके रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया है, जो अब मरने की कगार पर है। इसी वजह से अब प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त रूस का साथ देते हुए अमेरिकी डॉलर की कमर तोड़ने में लगे हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तेल व्यापार से हटाओ डॉलर और अमेरिका की दादागिरी को आग लगाओ। मोदी ने साफ कर दिया है कि अब डॉलर की जगह रुपया लेने जा रहा है, और वो भी पूरे धूम धड़ाके के साथ। और उन्होंने ऐसा केवल रूस के साथ व्यापार में नहीं किया, बल्कि अब रूस के बाद 25 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए बेचैन हो उठे हैं। भारत के पास अचानक 25 दरवाजों से खजाना खुल गया है, और सिर्फ मोदी के रिस्क के कारण ही संभव हो पाया है। लेकिन अब उन्होंने इससे भी बड़ा कांड कर दिया है। इसी वजह से आज पूरा भारत सोच में पड़ गया है, क्योंकि अगर पीएम मोदी अपने इस मिशन में फेल हुए तो शायद भारत को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फेल होने के बाद भारत कई सालों पीछे जा सकते हैं, क्योंकि अब की बार मुकाबला सीधे तौर पर चीन से होने वाला है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप सब ने सुना होगा, रूस ने भारत से कहा था कि हमें चीन की करेंसी युआन में पैसे दे दो, लेकिन रूस के इसी बात से प्रधानमंत्री मोदी का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी धूम धड़ाके के साथ रुपए को पूरी दुनिया का करेंसी बनाना चाहते थे, लेकिन रूस बीच में कहने लगा कि प्लीज मुझे चीन की करेंसी युआन में पैसे भेजो। यह सब देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का माथा ठनक गया, और अब उन्होंने ठान लिया है कि न केवल डॉलर बल्कि युआन को भी रास्ते से हटाना होगा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि युआन एक राइजिंग करेंसी है, जिसे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल चुका है। ऐसे में युआन को हरा पाना मोदी के लिए आसान नहीं होगा। भारत सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से आज अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी महान शक्तियां आज भारत को अपना गुरु मानने लग गई है। इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का, हनुमान कहे जाने वाले डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा योगदान है। लेकिन चीन एक ऐसा टेढ़ा पूंछ है जिसे कितना भी तेल लगा लो वह सीधा नहीं होता। तो अब मोदी चीन को तेल लगाने नहीं बल्कि डंडे से जवाब देने जा रहे हैं। एक तरफ चीन अपनी करेंसी युआन को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दिया है, उसी के बहकावे में आकर रूस ने भी भारत से युआन में ट्रेड करने को कहा था। लेकिन युआन में ट्रेड करना भारत को सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा।
यह बात सच है कि आज डॉलर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई है तो वह युआन है। चीन ने अपनी करेंसी युआन की बदौलत IMF तक को चुनौती देने के लिए एक एशियन मॉनेटरी फंड बनाने का समर्थन कर दिया है। एशियन मॉनेटरी फंड बनाकर चीन अपनी करेंसी युआन को बेहद ताकतवर बनाना चाहता है। यह सब देखकर भारत चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकता, बल्कि अब भारत ने भी तूफान की रफ्तार पकड़ ली है। भारत लगातार कई बड़े बड़े देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता जा रहा है। ट्रेड को फ्री करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन को बर्बाद करने की भूमिका निभा सकते हैं। आज अमेरिका के खेमे वाले यूरोप के सारे देश चीन से नफरत करते हैं और वे मैन्युफैक्चरिंग के लिए केवल चीन पर डिपेंड रहना चाहते, बल्कि वे सब चीन से भागकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल हाल ही में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो धीरे धीरे चीन से भागकर भारत में फोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आज चीन का युवान अगर मजबूत हुआ है तो इसके पीछे उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और जानकार बताते हैं कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए बेहतर है क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पहले सुधर गया था। आज आप खबर में सुनते हैं कि नितिन गडकरी धुआंधार स्पीड से एक्सप्रेसवे बनाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नए नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। टाटा एयर इंडिया डील हो रही है, नए नए एयरपोर्ट और पोर्ट बन रहे हैं। इन सब के पीछे एक ही मकसद है, ताकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को चीन, जापान, अमेरिका और जर्मनी से बेहतर बनाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ये वही देश है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज दुनिया पर राज करते हैं, क्योंकि इन्होंने दशकों पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बना दिया था। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, वहां नई नई कंपनियां, इंडस्ट्रीज, प्लांट अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं और उस देश का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आसमान छूने लगता है। जो देश मैन्युफैक्चरिंग करके सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, उसके करेंसी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाएगी। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने 100,00,000 करोड़ खर्च करके गति शक्ति स्कीम की शुरुआत की है, जो आने वाले समय में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को न केवल वर्ल्ड क्लास बनाएगा, बल्कि भारत को नया मैन्युफैक्चरिंग किंग भी बनाएगा। वहीं यह सब देखते हुए चीन लगातार बॉर्डर पर चढ़ाई शुरू कर दिया है। वह हर हाल में भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है। हाल ही में उसने अरुणाचल के नाम बदलकर और डोकलाम विवाद पर भूटान के साथ विवादित बयान देकर भारत को धमकी देना भी शुरू कर दिया है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी डॉलर का गेम खराब करके आग से खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने युआन को ध्वस्त करने के लिए बारूद में आग लगा दी है। आज भारत की विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ ऐसे जयशंकर के कंधों पर सवार हो गई है, और उन्होंने जिस तरह से भारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है, उसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश हक्के बक्के रह जाएंगे। इसी वजह से आज हमारा भारत कोई भी निर्णय बुलंदी के साथ ले पा रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।